हम लोग बाज़ार से 40 से 4000 रुपए के बीच का मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, लेकिन हमारी स्किन मॉइस्चराइज नहीं हो पाती क्योंकि हम करते एक बहुत छोटी सी गलती, उसके कारण आपका कोई भी मॉइस्चराइज़र हो वो नाकाम साबित हो जाता है और हम अपनी स्किन की त्वचा के खिंचाव से परेशान रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे वो एक छोटी सी गलती जो आप ना करें तो आपका मॉइस्चराइज़र आपको हज़ार गुना ज़्यादा स्किन को मॉइस्चराइज करके देगा। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे मॉइस्चराइज़र के विषय में। सर्दी का वक्त है और सर्दी में हम सब मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी रूप में। हम लोग 40 रुपए से 4000 तक का मॉइस्चराइज़र लाते हैं और उसको अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर अप्लाई करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं पाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे वो एक छोटी सी गलती जो हम लोग मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करते वक्त करते हैं और उसके कारण से हम लोग को मॉइस्चराइज़र का डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है, उसका लाभ नहीं हो पाता है और हमारी मॉइस्चराइज़र की तलाश ख़त्म नहीं हो पाती है। हम ढूंढते रहते हैं मॉइस्चराइज़र कि कोई ऐसा हो जो हमारी स्किन को एक 6 महीने के बच्चे जैसा चिकना रखे, कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र हो जो हमारी स्किन को 18 साल की उम्र वाली स्किन वापस बना दे, लेकिन मॉइस्चराइज़र के सही गलतियों के कारण इस्तेमाल के हम लोग उस अपनी इच्छा को पूर्ति नहीं कर पाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मॉइस्चराइज़र का सही इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, वो एक बहुत छोटी सी गलती जो आप ना करें। सबसे पहले साथियों, आपको बताना चाहेंगे मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लें, तब तो मॉइस्चराइज़र लगाने का कोई फ़ायदा है, वरना मॉइस्चराइज़र लगाने का फ़ायदा नहीं है। क्या करें, अच्छे से आप नहा लें। नहाने के बाद आप चेहरा धो के एक थोड़ा सा दो चम्मच दही यानी योगर्ट यानी कर्ड वो ले लें, उसमें 4-6 बूंद शहद डाल दें, उसको अच्छे से रब करके चेहरे पे 5 मिनट के लिए लगा लें। 5 मिनट लगाने के बाद नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को धो लें। और धोने के बाद जो हम गलती करते हैं, हम चेहरे को बहुत अच्छे से पोंछ लेते हैं, बिल्कुल उसको सुखा देते हैं, तब मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। वहीं पर गलती है। आपको साथियों बता दें, मॉइस्चराइज़र अपने आप में कुछ नहीं करता है। मॉइस्चराइज़र का काम केवल ये होता है कि वो अपनी आपके स्किन कंटेंट के मॉइस्चराइजेशन को प्रिवेंट करे, उसको रोके, उन वाटर वेपर्स को जो आपकी स्किन में, उसको इवेपोरेट ना होने दे। लेकिन हम क्या करते हैं, एक तौलिया से, टॉवल से कड़ा पोंछ के मुंह को बिल्कुल पोंछ लेते हैं और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। उससे होता क्या है, 2 मिनट आपकी स्किन सॉफ्ट रहती है, 2 मिनट बाद वही सूखी और खिंचाव महसूस होने लगता है। ये इसीलिए है कि हम ये बात नहीं समझ पाते हैं कि मॉइस्चराइज़र का काम केवल वाटर के इवेपोरेशन को स्किन से रोकना है, अपने आप में वो स्किन को मॉइस्चराइज नहीं कर रहा है। तो यही एक छोटी सी गलती है जो हम लोग करते हैं मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन से पहले। तो आज के बाद साथियों, जब भी मॉइस्चराइज़र लगाएं, पहले स्किन को अच्छे से, चेहरे को धो लें, उसके पानी को लगा रहने दें, बहुत हल्का सा सॉफ्टली पोंछ लें, स्किन थोड़ी सी गीली रहे, उसके ऊपर आप मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट बनी रहेगी और मॉइस्चराइज़र जैसा हमने बताया है, आपका 99.9% आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप दही और शहद लगा के चेहरा धो लें, आप देखेंगे उसी से आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इस बात को अप्लाई करिएगा साथियों और कमेंट पोर्शन में लिख के बताइएगा कि इसके करने से आपका मॉइस्चराइजेशन या स्किन ज़्यादा देर तक सॉफ्ट बनी रही कि नहीं इस विंटर वेदर में भी। बात साथियों अगर ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर रहने, अपना कीमती वक्त हमको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।